Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is next lecture about PD for MSc2. तो कुछ केसेस हमने पर्टिकुलर के केसेस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में. केस 3 आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं. पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन fxy इज इक्वल टू x पावर m एंड y पावर n, mn पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो इस तरह लिख के, वो पावर माइनस वन में ऐसे ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था, तो उसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के साथ. तो इसमें ये नोट करना है कि अगर इफ एम इज ग्रेटर देन एन, देन दिस पावर माइनस वन शुड बी एक्सपेंडेड इन पावर ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, वेयर एज इफ एम इज लेस देन एन तो इसको एक्सपेंड करना है इन पावर ऑफ डी एक्स ओवर डी वाई. तो इस तरह से ये पहले शुरू में नोट कर लेते हैं. ये एग्जांपल है, तो एग्जांपल में देखो m 2 है n 1 है, ठीक है ना. x की पावर m होती है, y की पावर n होती है. तो इसमें m 2 है और m ग्रेटर देन n है. इसका मतलब इसकी जो हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, ऊपर dy लिखेंगे, नीचे dx लिखेंगे. और ये देखो ये सारा फिर बाइनोमियल अप्लाई करके कैलकुलेशन की हुई है और आंसर निकल आया. और इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस है, वही चीज रिपीट हो रही है, डिफरेंट नोटेशन, कोई नई चीज नहीं है. केस 4 वही 1 ओवर एफ डी ई पावर ए एक्स बी वाई इंटू वी एक्स. तो आपको पता है ई पावर ए एक्स बी वाई शुरू में ले आते हैं और डी एक्स में ए ऐड होता है, डी वाई में बी ऐड हो जाता है. इसकी एक एग्जाम्पल है यहाँ, एग्जाम्पल 10, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग पीडी. तो इसमें ये लिख के, तो उसमें आप e पावर x प्लस वाई को ले आए, इधर a 1 है b 1 है, तो वो एडिशन करके उसको सिंप्लीफाई किया गया है. फिर आपको पता है ये भी कि अगर इस तरह का रिलेशन आ जाए 1 ओवर डी वाई माइनस डी एक्स, तो वो स्क्वेयर फॉर्म में चेंज करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और फिर आप कंप्लीट करते हैं अपना सोल्यूशन. तो इस तरह से ये आपने ये केस 4 जो है इस तरह से इसको सॉल्व करना है. ये जो केस, उसके बाद ये यहाँ तक केस 4 ही है इसमें. तो ये अब हमने प्रैक्टिस करनी है हाउ वी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पीडीज. तो ये 3.12 आर्टिकल है जनरल सॉल्यूशन ऑफ पीडी. उसमें जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, यू इज इक्वल टू यू सी प्लस यू पी. इसमें कंप्लीमेंट्री फंक्शन को यू सी लिखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल को यूपी लिखेंगे. तो ये मैंने डायरेक्ट एग्जांपल ले लिया है और हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे. एक्सिलरी इक्वेशन लिखी, रूट्स निकाले, डिफरेंट हैं, वो यूसी लिख लिया, फाई वन वाई प्लस एक्स प्लस फाई टू वाई माइनस टू एक्स, और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लिया. उसी तरह ए बी हमारे पास हैं और वो डी एक्स डी वाई की जगह, तो जनरल सॉल्यूशन लिख लिया यू इज इक्वल टू यूसी प्लस यूपी. तो इस तरह से ये आप प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं. उसके बाद है सॉल्व द फॉलोइंग नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो ये दो क्वेश्चंस हैं, इसमें वन को सॉल्व किया हुआ है, ये देख लो आप. तो ये इस तरह से रूट्स निकाल के, अच्छा इसका सॉल्यूशन जो है ना, ये मैंने यूपी जो है ना प्रीवियस पेज पे किया हुआ है. इससे पहले जो पेज है उसके नीचे इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला हुआ है और एंड पे फिर मैंने सॉरी ये सॉल्यूशन लिखा हुआ वाई इज इक्वल टू यू सी प्लस यू पी. तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है इसका सॉल्यूशन. एक और क्वेश्चन है ये नंबर 2, डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स डी वाई प्लस डी वाई माइनस वन इंटू यू इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस टू वाई. तो ये देखो इसको ना, ये ध्यान से इसको इस प्रॉब्लम को करना है. तो इसको यहाँ फैक्टराइजेशन करके तो उसमें एक्सिलरी इक्वेशन फिर हम लिखते हैं. एक्सिलरी इक्वेशन इतनी सी बनती है m प्लस वन इंटू एम, तो m के दो वैल्यूज माइनस वन और जीरो आ जाती है. तो यू सी ये निकल आया फाइव वन वाई, क्योंकि उसमें वो दूसरा फैक्टर नहीं है a, तो प्लस फाइव टू वाई माइनस एक्स. अच्छा पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका देख लो,
ये भी ऐसे ही इसमें ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर आपको अप्लाई करने पड़ेगा रूल, और इसे ये जनरल सॉल्यूशन निकल आता है। उसके बाद एग्जांपल 6 है, ये बुक में भी है, इसके ये 4 सवाल है, इनका आपने जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना, इन चारों को सॉल्व करना है और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ये आपकी असाइनमेंट भी है, और ये असाइनमेंट आप सॉल्व करके यू कैन सेंड एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।